अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देसी नुस्खे चैनल में मैं अपने तमाम भाइयों को वेलकम कहता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम भाई खैरियत और अच्छे होंगे। जैसे कि आपको मालूम है, मैं अपने तमाम भाइयों के लिए बहुत ही आसान से और घरेलू नुस्खे लेके आता हूँ। आज मैं अपने प्यारे भाइयों के लिए बहुत ही आसान सा नुस्खा लेके आया हूँ, जिन मेरे भाइयों को जिस्म में किसी किस्म की बीमारी रहती है, घुटनों में दर्द रहता है, जिस्म में किसी हिस्से में भी पेन होता है, ये मेरे उन प्यारे बहनियों के लिए बहुत ही आसान सा और घरेलू नुस्खा है। सबसे पहले मेरे तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, देसी नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं अपने तमाम भाइयों से गुजारिश करता हूँ, मेरी वीडियो शुरू से लेके आखिर तक वीडियो देखें, फिर आपको इसकी समझ आएगी, फिर आप मेरे नुस्खों को इस्तेमाल कीजिए। मेरे भाई मुझे कमेंट में बताते हैं कि भाई हम आपके नुस्खों के इस्तेमाल करते हैं, हमें बहुत फ़ायदा होता है, आपके नुस्खे बहुत ही असस्से और आसान होते हैं। मैं अपने प्यारे भाइयों के लिए बहुत ही कोशिश करता हूँ कि आसान सान से नुस्खे लेके आऊँ, उसमें कोई साइड इफ़ेक्ट और केमिकल का इजाफा ना हो। नुस्खे की जानब बढ़ने से पहले मेरे तमाम भाई याद रखें कि जब तक आप पूरा नुस्खा इस्तेमाल करोगे आपको फ़ायदा होगा। कई भाई दोस्त कुछ दिन करते हैं, छोड़ देते हैं, बाद में बोलते हैं भाई हमें फ़ायदा नहीं होगा। इसीलिए जितने दिन बताते हैं कोशिश कीजिए कि उतने दिन उसको इस्तेमाल किया करें। इसमें आपने दो चीज़ों का इस्तेमाल करना है। नंबर एक, कलवंजी। कलवंजी में अल्लाह ताला ने हर चीज़ की शफा रखी है, जैसे कि आपको मालूम है कलवंजी में अल्लाह ताला ने हर चीज़ की शफा रखी है। और दूसरे नंबर पे आपने लेना है एक गिलास दूध। आपने क्या करना है, एक गिलास जब दूध ले लेना है, एक गिलास दूध को आपने अच्छे से उबाइल कर लेना है। उबाइल करने के बाद आपने इसमें चीनी डालनी है तो डाल सकते हैं, जिसको डायबिटीज़ का मसला है वो चीनी नहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मेरे तमाम भाइयों को मालूम है कि कलवंजी में अल्लाह ताला ने हर चीज़ की शिफा रखी है सिवाय एक मौत के, बाकी इससे खाने से आपकी जितनी भी बीमारी होंगी वो सब दूर हो जाएंगी। याद रखें जी, आपने सुबह नमाज के बाद इस्तेमाल करनी है। आपने क्या करना है, कुछ आधा एक चम्मच ले लेना, छोटा चम्मच होता है उसका आधा हिस्सा आपने खा के एक गिलास दूध का पी लेना है। या मुसलसल 30 दिन इस्तेमाल करो, 20 दिन से 30 दिन तक इस्तेमाल करोगे, इंशाल्लाह आपके जिस्म में जितनी भी तकलीफ़ें होंगी, बीमारी होंगी, इंशाल्लाह वो आपकी बीमारी ख़त्म हो जाएंगी। इससे मेरे तमाम भाइयों को सेहत और तंदुरुस्ती मिलेगी। ये मेरे भाई उन प्यारे भाइयों के लिए है जो बहुत ही ज़्यादा बीमार रहते हैं, मेडिसिन खाते हैं, उनसे कोई फ़ायदा नहीं होता। ये मेरे उन भाइयों के लिए है, इसमें कोई ऐसी चीज़ का इजाफा नहीं है जिससे आपको कोई नुकसान पहुँच सके। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक ओसा और आसान से नुस्खे के साथ। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। देसी नुस्खे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।